एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम साबूदाना की एक बढ़िया सी रेसिपी बनाने जा रहे हैं। ये मैंने आधा कप साबूदाना लिया है, इसको हम बाउल में डाल देंगे और पानी से ना इसको दो तीन बार वॉश करेंगे। ठीक है, ऐसे इसको दो तीन बार ना ऐसे वॉश करेंगे। ये जो धुंधला पानी है ना, इसका दूध जैसा पानी, इसको दो तीन बार निकाल लेंगे, साफ करेंगे अच्छे से, मतलब धो लेंगे। साबूदाना धोने के बाद हमने ना ऐसे इसके ऊपर, ये देखिए, बस डूब जाए इतना पानी, बस अच्छे से डूब जाए साबूदाना उतना हम पानी, आप देख रहे हैं पानी भी क्लियर है, उतना पानी डालकर इसको 8 से 10 घंटे, यानी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में बनाना है तो ओवरनाइट सोक कर दीजिए, इवनिंग में बनाना है तो मॉर्निंग में सोक कर दीजिए। सोक कर देंगे इसको, ढक के रख देंगे, फिर मिलते हैं आपसे। ये देखिए, अब जो है ना ये एक एक दाना ऐसे खिला खिला है और इतना ये सॉफ्ट हो गया, मतलब मैश हो रहा है ऐसे आसानी से, है ना। आप कोई भी दाना एक निकालें, ऐसे आप लें उसको, ये रहा, और इतनी आसानी से मैश हो रहा है, देखिए बहुत आसानी से और बिल्कुल खिला खिला है। तो ये तरीका है साबूदाना भिगोने का। अब हम सबसे पहले कढ़ाई चढ़ाएंगे, उसमें थोड़ा सा, आधा चम्मच के करीब हम घी डालेंगे, और ये जो 1/4 कप मूंगफली है छिलके वाली, इनको हम रोस्ट करेंगे बिल्कुल धीमी गैस पे, ना धीमी गैस पे हम इनको अच्छे से भून लेंगे। जब तक मूंगफली रोस्ट हो रही है, हम ये एक उबला हुआ आलू है इसको बारीक काट लेंगे। ये इस तरह से हमने इसके पीसेस कट कर लिए हैं, और मैंने ना एक छोटा आलू, एक थोड़ा मीडियम साइज का और एक छोटा आलू मैंने और डाल दिया है, तो आप अपनी मर्जी से ना आलू कम ज्यादा कर सकते हैं। और इस बीच हमारी ये मूंगफली भी भून गई है, चटकना शुरू हो गई है, आप देख सकते हैं। तो बिल्कुल धीमी आंच पर भूनिए ताकि अंदर से जले नहीं और कच्ची भी ना रहे। तो देखिए, आधा चम्मच घी के बाद भी ना हमारा ये बच गया है इसमें, तो हम इसी में तड़का लगा लेंगे और इनको हम एक बाउल में निकाल लेते हैं। कढ़ाई गरम होने रख दिया, और ये हमने मूंगफली सेकी थी ना, वही थोड़ा घी है, इसमें हम एक बड़ा चम्मच घी और डाल देंगे। और ये व्रत में भी आप खा सकते हैं, बहुत फीलिंग रहेगी। तो एक बड़ा चम्मच हमने घी डाल दिया है, इसको गरम होने देते हैं। इसमें डाल रहे हैं हम जीरा, एक छोटी चम्मच भर के हमने जीरा डाल दिया है। अब डालेंगे हम इसमें 1 इंच कटा हुआ अदरक, बारीक कटा हुआ, और एक हरी मिर्च, आप बाकी अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। इसमें अदरक हरी मिर्च का फ्लेवर ना बहुत अच्छा आता है, अगर आप नहीं अदरक खाते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। जैसे ही ये भुनता है, इसके साथ साथ हमने एक टमाटर को चॉप कर लिया है, तो आप अगर व्रत में टमाटर नहीं खाते हैं तो इसको भी स्किप कर सकते हैं। ये भुनने के बाद हम टमाटर को अच्छे से मिक्स करेंगे। ये नमक हमने डाल दिया है इसके अंदर, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। थोड़ी सी काली मिर्ची डालेंगे, ये भी 1/4 टीस्पून के करीब है। हमने इसको ढक के पका लिया है और टमाटर अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। इसके साथ ही हम डाल देंगे उबला हुआ आलू, जो इसको हमने बारीक काट के रखा है। और आपने ना इस तरह से खिचड़ी नहीं खाई होगी, ये साबूदाना खिचड़ी या साबूदाना की डिश इस टाइप से नहीं खाई होगी, तो इसको भी हम कुछ सेकंड्स के लिए भून लेते हैं। अब हम डाल देंगे आलू भुनने के बाद ये साबूदाना, देखिए कितना खिला खिला साबूदाना है। मिक्स करेंगे इसको अच्छे से, और देखिए आपने देखा होगा ये बिल्कुल अच्छे से गला हुआ है साबूदाना, ऐसा नहीं है कि साबूदाना गला नहीं है। तो आप अगर 7-8 घंटे ओवरनाइट सोक करेंगे ना, और जिस तरह से मैंने बताया है पानी को बस थोड़ा सा ऊपर रख के 3-4 बार अच्छे से धो के, तो ये बहुत बहुत अच्छा बनेगा। और अब हम इसमें डालने वाले हैं पानी, पूरा मैंने इसमें 1 कप पानी डाल दिया है, फ्लेम को हाई पे कर दिया है, 1/2 कप से थोड़ा कम पानी मैंने और डाल दिया है इसमें।
और इसको ढककर पकाते हैं। चेक कर लेते हैं हम, ये देखिए इस तरह से ना ये खिचड़ी उबलेगी। अभी गैस को धीमा करके ऐसे ही पानी बिल्कुल अच्छे से इसमें एब्जॉर्ब हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। और देखिए ढकने के बाद ना अब ऐसे ही मिक्स हो गई अच्छे से, यानी पानी अलग और साबुदाना अलग नहीं है, अच्छे से ये मिक्स हो गया है। और मैं आपको यहाँ चमचे से दिखाती हूँ, ये देखिए, ये देखिए। तो ये ना सूखी सूखी खिचड़ी नहीं बनती, और आधा कप साबुदाना से ही बहुत सारी बन जाती है। सबसे लास्ट में हम डालेंगे इसमें ये जो हमने फ्राई करके रखी हैं पीनट्स, मूंगफली की गिरी लास्ट में, इसलिए कि ये ना सॉफ्ट सॉफ्ट साबुदाना में क्रंची मूंगफली बहुत अच्छी लगती हैं। गैस को ऑफ कर देंगे और मिक्स करेंगे। ये देखिए, तो ये जो साबुदाना की रेसिपी है आप सबको बहुत पसंद आएगी। सूखा सूखा जो नहीं खाते हैं वो इस टाइप से साबुदाना बना के खा सकते हैं। जैसे ही रखा, देखिए आप देख रहे हैं ना, पानी अलग नहीं है, सब कुछ मिक्स है। और थोड़ी देर रखने के बाद ना ये और अच्छी हो जाती है, इतनी ही लिक्विड ये चाहिए। तो आप 1 से 1.5 कप पानी डालिए आधा कप साबुदाना में, और इस तरह से बनाइए। जब ये मिक्स हो जाए तो फिर खाइए। आइए इसकी प्लेटिंग करते हैं, और मैं ही आपको दिखाऊं 2-4 मिनट के अंदर ही ना ये ऐसे थिक हो जाती है। देखिए तो साबुदाना भी ट्रांसपेरेंट होना शुरू हो जाता है, और खिचड़ी भी जो है वो बिल्कुल अच्छे से थिक हो जाती है। तो आप जरूर ट्राई कीजिएगा, और देखिए ये साबुदाना की रेसिपी बनकर तैयार है। कितनी सुंदर ये लग रही है, कितनी टेस्टी भी है खाने में। तो लास्ट में आप इसमें नमक और काली मिर्च अच्छे से चेक कर सकते हैं, और बस रेडी टू ईट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।